Welcome back to Exploring Earth, दोस्तों. My name is Gaurav and I am a travel blogger. और आप इस वीडियो तक पहुंच गए सर्च करते हुए, इसका मतलब ये है कि आप काठमांडू जाना चाहते हैं, आप काठमांडू ट्रैवल करना चाहते हैं. तो इस वीडियो में हम ज़्यादा इधर उधर के बातें नहीं करेंगे, सीधे आपको ले जाएंगे काठमांडू. इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे आपको काठमांडू जाना है और कहाँ पर रहना है काठमांडू में, और क्या क्या चीज़ आप काठमांडू में एक्सप्लोर कर सकते हैं. आप इस वीडियो को स्किप करके मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा टू द पॉइंट होने वाला है. बहुत ही इन्फॉर्मेशन होगा इस वीडियो में, आपको एक कंप्लीट गाइड मिल जाएगा काठमांडू जाने के लिए. इस वीडियो को मैंने चार हिस्सों में डिवाइडेड किया है. तो पहला हिस्सा है हाउ टू रीच काठमांडू, मतलब आप काठमांडू कैसे पहुँचोगे इंडिया से, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा. आप दूसरा हिस्सा है कि आप काठमांडू में कहाँ पर रहोगे, मतलब रहने का जगह कहाँ पर होगा, कौन से प्लेस आपके लिए अच्छा होगा काठमांडू के लिए एक्सप्लोर करने के लिए, आपको कौन सी स्पेसिफिक जगह पर रुकना होगा काठमांडू में. और थर्ड पार्ट में है आप क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो काठमांडू, कौन कौन से चीज़ें हैं जो आपको मिस करना नहीं चाहिए, और आप कैसे उन चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, मतलब द वे टू एक्सप्लोर दैट प्लेस. और आखिर में लास्ट में आप देखेंगे कि टोटल कॉस्ट आपका काठमांडू में कितना आएगा. इंडिया से अगर आप काठमांडू ट्रैवल करना चाहोगे तो आपको कितना बजट पकड़ के जाना होगा. तो चलिए दोस्तों, हम हमारे पहले पार्ट से शुरू करते हैं, जहाँ पर आपको मैं बताऊंगा आप काठमांडू कैसे जाओगे. तो पहले आपको बता दूं कि काठमांडू जाने के लिए ना ही आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है, ना ही वीज़ा. और काठमांडू आप कई तरीके से जा सकते हो. जैसे आप सबसे आसान है कि आप फ़्लाइट बुक करो, आप जहाँ पर भी किसी भी स्टेट में बिलोंग करते हो वहाँ का कोई एयरपोर्ट से आप फ़्लाइट बुक करो और डायरेक्ट काठमांडू चले जाओ. और दूसरा हो सकता है कि आप मुंबई या दिल्ली में हो तो आप वहाँ से डायरेक्ट बस जाता है काठमांडू के लिए, तो आप बस बुक कर सकते हो. आप अगर आप सिलीगुड़ी से जाना चाहते हो तो आप सिलीगुड़ी तक आ जाओ फ्लाइट से बागडोगरा एयरपोर्ट, या फिर ट्रेन से आ जाओ. सिलीगुड़ी के नज़दीकी कोई शहर में हो तो ट्रेन से आ जाओ. सिलीगुड़ी से डायरेक्ट बस जाता है काठमांडू. मैं ऐसे गया था कि नेपाल के जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है रक्सौल, जो बिहार में आता है. तो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट टाउन है और वहाँ से बिहार रक्सौल तक आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाता है. मैं बर्धमान से डायरेक्ट वहाँ पर गया, और रक्सौल से आपको 5-10 मिनट लगेगा बीरगंज पहुँचने में. तो बीरगंज है नेपाल का पहला गांव, और आप छोटा सा शहर भी बोल सकते हो. आप बीरगंज तक पहुँच जाओगे तो बीरगंज से आपको बस मिल जाएगा, आपको गाड़ी मिल जाएगा, कार. मैंने कार बुक किया और वहाँ से मैं गया. तो दोस्तों, ये तो था अपना ट्रांसपोर्टेशन पार्ट, और अभी आते हैं अकोमोडेशन में. नेपाल में काठमांडू जाने के बाद आप कहाँ पर अपना होटल लोगे, या पहले से आप बुक कर सकते हो होटल, तो वो कौन सा प्लेस आपके लिए सही रहेगा कि आप पूरा काठमांडू को एक्सप्लोर कर सको. काठमांडू का टूरिस्ट हब जो बोलता है वो है थमेल, तो आप थमेल में रह सकते हो. थमेल में आपको बहुत ही आसानी से रूम मिल जाता है, बहुत ही मतलब कॉजी होटल्स है उधर. और आपको 1000 से 2000 के अंदर एक अच्छा खासा रूम मिल जाएगा आपके फैमिली के लिए. थमेल में रहने का सबसे मतलब फ़ायदा ये है कि आपको वहाँ का मार्केट आप आसानी से जा सकते हो. मार्केट में आपको अगर शाम को अगर कुछ अच्छा खासा कुछ खाना है, स्ट्रीट फूड वगैरह, वो आपको मिल जाएगा. अगर आपको कुछ ख़रीदना है, जैसे कि काठमांडू में थोड़ा सस्ता होता है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, या फिर कपड़ा या जैकेट कुछ ख़रीदना चाहते हो, कि इम्पोर्टेड अगर कुछ चीज़ें जो बाहर से इधर आते हैं वो सब कुछ ख़रीदना चाहते हो, तो आप थमेल में आराम से रह सकते हो. दूसरा जो टूरिस्ट हब है थमेल के बाद वो है फ्रिक स्ट्रीट, जो कि पटन दरवा स्क्वायर के पास है, नज़दीक है, और बहुत ही पुराना टाइप का जगह है. वहाँ पर आप उधर रह सकते हो. उधर भी आपको टूर ऑपरेटर्स ये सब मिल जाएंगे, लेकिन थमेल जैसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर मार्केट प्लेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है थमेल जैसा. और तीसरा एक प्लेस मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जिसका नाम है लजिमपत, जो कि थमेल से 10-15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में आता है. वहाँ पर आपको उतना ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगा, वो क्राउडेड कम है, उतना ज़्यादा हसल नहीं है,
अगर आप थमेल के आसपास थोड़ा शांति से रहना चाहते हो तो वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थमेल के आसपास ही रहे, क्योंकि आपको थमेल में आना ही है। बिकॉज अब आपको अगर साइट सीन बुक करना होगा, जो कि अपना नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का, तो आपको थमेल में ही आना होगा, क्योंकि आपको वहाँ से अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा काठमांडू के साइट सीन का। और आपको अगर कुछ खरीदना होगा तो आपको तो भाई इधर ही आना होगा। जैसे कि मैंने booking.com से बुक किया था अपना होटल थमेल में ही, और booking.com में आपको अच्छा खासा डील मिल जाता है। आप MakeMyTrip यूज़ कर सकते हो, GoIBibo यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे ऐप हैं मोबाइल में, इंटरनेट में, आप उन सभी को आप टैली कर लो कहाँ कौन सा आपको सस्ता पड़ रहा है, कौन सा आपको अच्छा वैल्यू फॉर मनी दे रहा है, उसी हिसाब से आप होटल बुक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी बारी है नेपाल के साइट सीन की। तो अगर आप वीडियो को अभी भी देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग अभी जाने वाले हैं काठमांडू में। तो दोस्तों काठमांडू में मैं आपको ऐसे 5 प्लेसेस दिखाऊंगा जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। किसी को भी अगर काठमांडू जाना होगा तो ये 5 प्लेस उनको मिस करना नहीं चाहिए। उसके बाद बताऊंगा कि मैंने कैसे मैनेज किया, कैसे अरेंज किया वो जगह पर घूमना, कैसे अरेंज किया और कहां से अरेंज किया। तो पहले हम देखेंगे स्वयंभूनाथ स्तूप, जो कि जाना जाता है मंकी टेम्पल के नाम से। तो भैया हम फिर से निकल चुके हैं आप लोगों को घुमाने के लिए। एक सेकेंड, आगे अंदर वही मंकी टेम्पल में आ गए। और ये रहा इसका टिकट, जो नेपाली और इंडियन के लिए 50 और बाहर वालों के लिए 200। चलो जी, थैंक यू। टेम्पल जिसका मतलब व्यू बहुत ही अच्छा है, और उसके साथ कुछ मंकी भी फ्री है। अब आओ इधर, मतलब वो कुछ नहीं करेगा। हाँ, वो कुछ नहीं करेगा, अच्छा मंकीज है, अभी तक तो कुछ नहीं किया। हाँ। बहुत छेड़खानी हुई उन लोगों के साथ, उन कुछ नहीं किया। तो ये था शंभुनाथ टेम्पल आकार मंकी टेम्पल। तो अभी हम देखेंगे बौद्धनाथ स्तूप, जो कि नेपाल का लार्जेस्ट बौद्ध स्तूप है।
अभी हम देखेंगे पठान दरबार स्क्वायर, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट है काठमांडू में, और देख ही लीजिए कैसा है। तो अभी हम गए थे खाना खाने, वहाँ से निकल कर और अब आए हैं पठान म्यूजियम। देखो देखो कैसा है, देखो पठान म्यूजियम। पठान म्यूजियम, पठान दरबार में, और मतलब 250 का टिकट था, पैसा वसूल समझो। आ सकते हो यार काठमांडू में, ये एक मतलब अच्छी जगह है जो मिस करना नहीं चाहिए। तो दोस्तों पठान दरबार के बाद हम लोग जाएंगे पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि नेपाल में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, शिव भगवान का टेम्पल है। और अभी हम आए हैं पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ टेम्पल, जो शिव भगवान का टेम्पल है, और ये मतलब काठमांडू में सबसे फेमस टेम्पल है, सबसे फेमस, ठीक है, सबसे फेमस हिंदू टेम्पल है। हाँ, अपना प्राइम मिनिस्टर भी आया था कुछ दिन पहले इधर। चलो देखते हैं कैसा है। कबूतर जा 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 वो गाने का शूटिंग इधर ही हुआ था, और देख रहे हो आप रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इधर रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है एक्चुअली, रहा मेन मंदिर अंदर शायद कैमरा लेके नहीं जाने देंगे। फ्रेंड्स वो कैमरा लेके अंदर नहीं घुसने दिया, क्योंकि वो रूल्स है इन लोगों का, रूल्स तो रूल्स होता है, क्या किया जा सकता है। लेकिन जो मंदिर हमने देखा, वो मतलब ऐसा शिव का टेम्पल मैंने अभी तक नहीं देखा लाइफ में, बहुत ही मतलब अलग पैटर्न का मंदिर है, अंदर चांदी है और सोने का डिज़ाइन किया गया है।
बहुत ही पैटर्न जो है अलग है, मतलब हमारे वहाँ के टेम्पल जैसा नहीं है, दूसरे पैटर्न वाला है, पता नहीं कैसे थे लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ इधर आकर ही देखना पड़ेगा सबको, क्योंकि कैमरा तो अंदर नहीं जाने देता, अलाउ नहीं करने देता। आखिर में हम लोग देखेंगे कैलाशनाथ महादेव मंदिर, जहाँ पर लॉर्ड शिवा का सबसे बड़ा मूर्ति वहाँ पर है नेपाल का। तो अभी हम आए कैलाशनाथ महादेव मंदिर। देखिए कैसा है, देख लीजिए। हम इधर पानी पूरी खा रहे थे, और मतलब कोलकाता जैसा नहीं है लेकिन अच्छा है। लेकिन हमारे वहाँ का पानी पूरी का बात ही कुछ अलग है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि ये साइट सीन मैंने कैसे अरेंज किया और एक्चुअली कितने में अरेंज किया। तो मैं थमेल में था तो मेरे लिए आसान था, मैं दो तीन जगह पर गया, वहाँ पर दो तीन ट्रैवल एजेंसी से बात किया कि भाई मेरे को काठमांडू अगले दिन काठमांडू घूमना है, तो आप एक ड्राइवर दे दो, तो कितने में दोगे, कौन सी जगह पर मैं जाना चाहता था। उनको बता दिया कि मैंने ये लिस्ट है, ये जगह पर मेरे को जाना है, तो आप पूरा दिन का पैकेज बोलो कि मैं सुबह से शाम तक वो गाड़ी मेरे साथ रहेगा। तो दो तीन जगह जाने के बाद मेरे को 2500 इंडियन करेंसी में अच्छा खासा एक ऑल्टो मिल गया था, और ड्राइवर भी अच्छा था और बहुत ही अच्छा इंसान था। हम लोगों को पूरा काठमांडू घुमाया, जिसमें से ये 5 जगह अहम थे। तो अभी आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की कॉस्टिंग, कि आपको काठमांडू ट्रिप का कॉस्टिंग कितना आएगा। ये सब साइट सीन करते हुए जाकर अच्छे खासा ठीक ठाक होटल में रहकर और ठीक ठाक खाना पीना कर कितना खर्चा होगा। तो मेरे हिसाब से अगर फ्लाइट से आप जा रहे हो तो फ्लाइट का ले लेते, क्योंकि अगर दूसरा ऑप्शन आप लोगे तो इससे कम हो जाएगा। तो फ्लाइट से आप जा रहे हो तो 6000 का फ्लाइट का टिकट आ जाता है आपको, इंडिया के कहीं कोई भी एयरपोर्ट से आपको 6000 का फ्लाइट का टिकट आ जाएगा। और काठमांडू में अगर थमेल एरिया या दूसरे कोई भी एरिया में रहोगे तो 1500 से 2000 में आपको अच्छा खासा रूम मिल जाएगा, और साइट सीन का तो 2500 या 3000 में हो जाएगा। तो खाना का आप जैसे ही खाओगे, तो मेरे ख्याल से आपको आने जाने का सब कुछ का डाल कर अगर आप कपल या दोस्तों के साथ जा रहे हो तो पर हेड आपको 15000 में काठमांडू हो जाएगा। अगर आप काठमांडू जा रहे हो तो मेरा सजेशन है कि आप पोखरा भी जाओ, पोखरा बहुत अच्छा जगह है, आप पोखरा आप दोस्तों के साथ जा सकते हो, पोखरा आप कपल एज ए कपल जा सकते हो, पोखरा आप फैमिली के साथ जा सकते हो। पोखरा इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस, जितना भी प्लेसेस मैं ट्रैवल कर चुका हूँ उनमें से, और मेरे हिसाब से पोखरा काठमांडू से ज़्यादा आपको अच्छा लग सकता है। अगर आप पोखरा जाना चाहते हो तो मेरा लिंक
नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर लिंक कर रहा है, उधर क्लिक करो और आप पोखरा का भी गाइडेंस ले लो। तो दोस्तों मैं आपसे विनती करूँगा कि आप थोड़ा सा मेहरबानी दिखाइए और नीचे लाल बटन जो है सब्सक्राइब का वो दबा दीजिए, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा सा ग्रो मिलेगा और मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपके लिए ला सकूँगा।